हेलो फ्रेंड, आप देख रहा है गुड आर्ट लर्निंग। आज मैं देखूंगा टीवी का एक फॉल्ट रिपेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको टीवी ऑन करके दिखाऊंगा टीवी का जो फॉल्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं टीवी ऑन नहीं हो रहा है। टीवी का स्टैंड बाई लाइट जल रहा है, लेकिन टीवी ऑन नहीं हो रहा है। स्टैंड बाई लाइट ऑन ऑफ हो रहा है, यही प्रॉब्लम है टीवी का। तो चलिए देख लेते हैं कि वो प्रॉब्लम हुआ है। तो फ्रेंड, टीवी स्टैंड बाई मोड प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब समझना होगा। टीवी पावर सप्लाई इनपुट वोल्टेज ठीक है, लेकिन आउटपुट सप्लाई वोल्टेज चेक करने से पता चलेगा कौन सेक्शन का और क्या फॉल्ट हुआ है। तो हमें आउटपुट सेक्शन का सप्लाई वोल्टेज चेक करना है इसीलिए। तो फ्रेंड, स्टैंड बाई मोड प्रॉब्लम के लिए हमें कौन सेक्शन का वोल्टेज चेक करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन और हॉरिजॉन्टल ड्राइवर सेक्शन और मेमोरी आईसी और मेन आईसी। तो फ्रेंड, पहले मैं आउटपुट सप्लाई वोल्टेज चेक करूँगा। तो आप देख सकते हैं 117 वोल्ट जो हमारा इस टी का सप्लाई वोल्टेज मिलता है यहाँ से, और यहाँ पर 12 वोल्ट जो सप्लाई वोल्टेज मेमोरी आईसी और मेन आईसी को मिलता है और साउंड आईसी को। उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज 117 वोल्ट, वो ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल ड्राइवर सेक्शन का सप्लाई वोल्टेज। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सप्लाई वोल्टेज ठीक है, 111 वोल्ट। यहाँ पर भी सप्लाई वोल्टेज ठीक है। तो फ्रेंड, उसके बाद हम चेक करेंगे मेन आईसी और मेमोरी आईसी का सप्लाई वोल्टेज सेक्शन। तो फ्रेंड, यहाँ पर 12 वोल्टेज सप्लाई से रेगुलेशन करके दो ट्रांजिस्टर से जो 5 वोल्टेज आउट होता है, वो वोल्टेज हमारा मेन आईसी और मेमोरी आईसी को मिलता है। तो यह ही हमें चेक करना है। तब देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज ठीक नहीं है। तो हमें यहाँ पर जो दो ट्रांजिस्टर है, हमें सर्किट से निकाल कर चेक करना है ये ठीक है क्या नहीं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये है दो ट्रांजिस्टर जिसकी वजह से हमारा मेन आईसी और मेमोरी आईसी को सप्लाई मिलता है यहाँ से। तो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए हमें ये दोनों ट्रांजिस्टर सर्किट से निकाल कर चेक करना है ये ठीक है क्या नहीं। ये है दो ट्रांजिस्टर जिसकी वजह से सप्लाई मिलता है मेन आईसी और मेमोरी आईसी को। तो इसे सर्किट से बाहर निकालना है, चलिए बाहर निकालते हैं पहले।
तो यही दोनों ट्रांजिस्टर मीटर से चेक करना है। तो फिर मीटर से चेक करने से पता चला ट्रांजिस्टर खराब है, शॉर्ट हो गया। अब देख सकते हैं आवाज़ आ रहा है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है ट्रांजिस्टर। इसकी वजह से मेमोरी आईसी को सप्लाई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अब देख सकते हैं बिल्कुल ख़राब हो चुकी है दो ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर नया डालना है, तो चलिए डालते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर नया लगाया। अब मैं एक बार फिर से वोल्टेज चेक करके देखूंगा क्या कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का सप्लाई वोल्टेज अभी मिल रहा है। यहाँ का सप्लाई वोल्टेज अभी ठीक हुआ। तो फ्रेंड यहाँ का सप्लाई वोल्टेज तो अभी ठीक हो गया। तो अब मैं एक बार फिर से टीवी ऑन करके देखूँगा टीवी ठीक हुआ क्या नहीं। तो चलिए देख लेती है। तो आप देख सकते हैं टीवी ऑन हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो को देखने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।